एक कोचिंग हुआ करता था बहुत पहले, और अभी भी है थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस उसका, बंसल क्लासेस कोटा में। हालांकि कोटा को एजुकेशनल इंडस्ट्री हब बंसल क्लासेस नहीं बनाया है ना, बंसल क्लासेस। तो बंसल क्लासेस में जब जेई की तैयारी होती थी तो उसमें सबको एडमिशन नहीं मिलता था। तो सर किसको मिलता था एडमिशन? उसमें एडमिशन मिलता था टेस्ट क्वालिफाई करने वाले। अच्छा, तो सब नहीं कर पाते थे? नहीं, उसमें पर्टिकुलर सीट होता था और टेस्ट देते थे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मतलब इंडिया के कोने कोने से उसके फॉर्म भरे जाते थे। और कोटा में बंसल क्लासेस जहां पे था उसके आसपास में 10 कोचिंगें और थी जो कि बंसल क्लासेस के इंट्रेंस की तैयारी कराती थी, बंसल क्लासेस के इंट्रेंस की तैयारी कराती थी। आसपास में 10 ऐसे कोचिंग थे। तो बच्चा पहले कोटा जाता था और बंसल कोचिंग इंस्टीट्यूट की इंट्रेंस की तैयारी करता था पहले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल। उसके बाद बंसल के इंट्रेंस में बैठता था और जब वो टेस्ट क्वालिफाई होता था तो उसके एक्चुअल में जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट होती थी, जेई का प्रिपरेशन वहां से स्टार्ट होता था। अच्छा, मतलब जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए या नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए पहले टेस्ट देना पड़ता था। हाँ सर, हमारा तो कुछ नहीं हुआ है। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि कभी तुम ये बैठ के सोचो, क्या तुम नीट और जेई के प्रिपरेशन करने लायक हो? दूसरों को सजेस्ट सजेस्ट करना, दूसरों में कमियां निकालना, ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है खुद को जज करना। तो तुमने एडमिशन तो ले लिया, थैंक्स टू अलक पांडे सर, फिर से अगेन एंड अगेन एंड अगेन, थैंक्स टू अलक पांडे सर, एडमिशन तो ले लिया, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा तुम डॉक्टर बनोगे? ये तो सवाल ही नहीं है। डॉक्टर बनोगे या नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं है। तुम नीट और जेई के प्रिपरेशन करने लायक हो कि नहीं हो, सवाल ये है, सवाल ये है, समझने की कोशिश करो। तुम नीट क्वालिफाई करोगे, जेई मेन क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल तो ये है साहब कि आप नीट के प्रिपरेशन करने लायक है कि नहीं, आप नीट के प्रिपरेशन करने लायक है कि नहीं है, सवाल तो ये है। फिर वो कैसे हम चेक करें? बताऊंगा, बताऊंगा। भाई कोई भी तैयारी नहीं कर सकता, कोई भी तैयारी नहीं, तैयारी भी करने के लिए एक मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए। कोई भी आंख बंद करके आएगा, हम आज से नीट की तैयारी करेंगे, अरे मुंह तो धो ले पहले, पहले ढंग से मुंह तो धो ले, उसके बाद नीट की तैयारी कर लेना। नीट की तैयारी करेगा, मुंह हाथ धोया नहीं, बैगन के सामने, हम आज नींद की तैयारी करेंगे,